सरकार का ओएसडी जां कोई नाल हो ओ चन्नी नूं फोन करे उत्थे बयान देवे मेरी सरकार दे कैप्टन नूं छड्डो मैं जुंडे नाल बाहर करदा कमांडो भेजे गोलियां नाल भुन जे सानू सर साडा ये धरना चल रहा है पिछले 6 दिसंबर तो हुण तक मिथे समय लई चल रहा है वैसे असी संघर्ष पिछले 6-7 महीने तो लड़ रहे हैं कम करिए असी मेहनत करिए असी डीजल असी फूकीए हड असी तड़ाइए तो एक कार वाला बंदा आउंदा सारा कुछ हो ले जांदा तो पेमेंट पिछे भी उहदे हाथ अड़दे आ इन्होंने अपने चहेत्यां नूं टेंडर देने आ उन्हां तों बोरियां भर भर नोटां दीआं लैणियां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सानू इतने मिले उन्होंने भी घेर के पूछा भी तू क्यों की पर आपकी गलती मन गया मेरे तो गलती हुई है। तुसीं देख रहे हो द अनम्यूट चैनल तो असीं पहुंचे हाँ इतने ट्रक यूनियन की जिहड़ी हड़ताल चल रही है पूरे पंजाब की सूबा पद्धरी हड़ताल चल रही है केंद्र सरकार पंजाब सरकार वालों जिहड़ा सरकारी डिपार्टमेंटां विच तां ठेकेदारी सिस्टम जिहड़ा उह लागू किया ही जा रहा निजीकरण दीआं नीतियां लागू कीतियां जा ही रही पर इत्थे जिहड़ा पंजाब दे विच ट्रक यूनियनां नूं भी जिहड़ा ठेकेदारी का घुण लगना शुरू हो गया सरकारां ने ठेकेदारी सिस्टम ट्रक यूनियनां विच भी वड़ता और पिछले लंबे समय तो काफ़ी इत्थे ट्रक यूनियन की हड़ताल चल रही है जिहदे विच पूरे पंजाब दीआं ट्रक यूनियनां इत्थे पहुंचे हुई हैं असीं गल करदे हां ट्रक यूनियन दे जिहड़े लीडर ने वो दस्सणगे उहनां दी की डिमांड्स ने सरकार नाल की रोसा की दिक्कतां ने की प्रॉब्लम है अपना सर नाम की है मेरा नाम है जी गुरिंदरपाल सिंह सोढ़ी जी ऑल पंजाब ट्रक एक्ट तो वाइस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी मैंबर कोर कमेटी जी तो अपनी डिमांड्स की ने क्यों इतने धरना लाना पिया कितनी देर तो धरना चल रहा सर साडा ये धरना चल रहा है पिछले 6 दिसंबर तो हुण तक मिथे समय लई चल रहा वैसे असी संघर्ष पिछले 6-7 महीने तो लड़ रहे हैं और असी अपनी मंगा दा लैके मंग पत्र हरेक अदारे दे चुके हैं भी साडी सुनवाई होवे जदों किसी ने साडी सुनवाई नहीं की सानू मजबूरन तौर पर उरे धरना लाना पिया तो रोड़ा ते आके बहना पिया और साडी मेन मुख मंगा जिहड़ी हैगीआं ने भी एक तो साडी यूनियन बहाल की जाए जो कि कैप्टन सरकार वेले उन्हां दी बणदे सार उन्होंने गद्दी ते बहिंदे इह बड़ा घातक फैसला लिया सी जिहदे नाल कि साडे परिवार और जिहड़े होर इस किते नाल परिवार जुड़े हुए ने उह सारे इन्हां ने रोड ते रोल दित्ते ने फिर उस तों बाद साडी मंग हैगी जी यूनियन वाली और ठेकेदारी सिस्टम कढ़िया जावे जो कि यूनियन की झोली पहले टेंडर पैंदे सी जिहड़े देखो हुण ठेकेदार इन्हां ने बना दित्ते उन्हां नूं कुछ पैसिआं दे सदके या उह पावर च उन्हां दा हत्थ पैंदा उन्हां नूं टेंडर दे दिंदे ने 120% बव ते लै के ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 30% ਅਤੇ 20% 'ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਫੂਕੀਏ ਹੱਡ ਅਸੀਂ ਤੜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ना असी कोई होर चीज़ मंगते हैं असी सिर्फ एक वधिया पॉलिसी मंगते हैं जिदे नाल साडा महकमा सरवाइव कर सके वी आर नॉट आसकिंग फॉर द मनी असी कोई पैसा डिमांड नहीं करते कोई पेंशन नहीं मंग रहे किसी तरीके का रोज़गार नहीं मंगते सो रोज़गार असी अपने वालों देवांगे जिन्हें बहुत सारे लोग बेरोज़गार ने जो साडा कीता चलूगा तो बहुत सारे बंदे नूं रोज़गार मिलेगा और साडी मंग एक होर है कि ओवरलोड बंद होना चाहिए जिदे नाल साडा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है साडी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है जिदे बोझ घूम फिर के साडे सारिआं ते तुहाडे ते भी तो साढ़िया भी यह बोझ दोबारा घूम फिर के पैंदा है जबकि वो एक्सीडेंट के चांसिस भी वधदे होर बहुत तरीके के नुकसान हो रहे हैं बेरोज़गार हो रही गड्डिया 3 गड्डिया का माल 1 गड्डी लैके जाती है सो यह बहुत गलत है ट्रक यूनियन का धंधा जिहड़ा चौपट होर जा रहा सरकारां दी जिहड़ियां नीतिगत निजीकरण की नीति लैके अपना भाजी की बारे विचार की जिहड़ी यूनियन दे चल रहा धरना जिवें मेरा नाम अमनदीप सिंह है जी मौड़ कोर मैंबर कोर कमेटी जिहड़ी सोढ़ी भाई ने गल की है भी अपनी हुण पंजाब दीआं बसां जा रही जी बसां राजस्थान भी जा रही ने बसां दिल्ली भी जा रही ने बसां हरियाणे च भी जा रही यूपी भी जा रही उन वो एक किलोमीटर के हिसाब नाल जा रही ने ना बस का भाड़ा जो किलोमीटर के तहत साढ़े ट्रक यूपी राजस्थान चलते जी असी तो सरकार को बेनती करते हैं जिस तरह बसों की किलोमीटर पॉलिसी है तो ट्रकों के भी किलोमीटर
पॉलिसी के हिसाब नाल भाड़े तय किए जान, कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लिया जाए जिदे नाल ट्रांसपोर्ट महकमा बच सके। जिहड़ी दूजी गल है, जेकर असीं देखो चन्नी साहब कोले हुण 10 दिन ने, 10 दिन बाद कोर्ट लग जाना जी, तो इन्हां पल्ले कुछ नहीं होना। इत्थे चन्नी साहब नूं बेनती करदे आं वी तुहाडे कोल इक मौका है ट्रांसपोर्टरां नूं बचाउण दा, ट्रांसपोर्ट धंदे नूं बचाउण दा, साडियां यूनियनां बहाल कर दिओ जी, प्लस जो टेंडर तुसीं विचोलियां नूं दिंदे हो, ठेकेदारां नूं दिंदे हो, ये ना दिओ, ये सीधे यूनियनां दे ट्रक ही कम करन विचों, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ है वह 100 की सीधी ट्रक वाले नूं मिल जाए, ठेकेदार की करता 100 रुपये की चीज़ में सट्टा पर रख लैंदा 40 ट्रकों नूं दिंदा, जो कि एक शोषण हो रहा है ट्रक ऑपरेटरां दा। इत्थे चन्नी साहब नूं बेनती करदे आं, तुहाडे कोले एक मौका है, रब ने तुहानूं मौका दिता है ये गुडविल लैण दा, ट्रांसपोर्ट धंदे नूं बचाउण दा। जेकर यह मौका तुसीं खिझा दिंदे हो तां बहुत पोलिटिशन पार्टियां सानूं कह रहियां सी अपने मैनोफेस्टो दे विच ये पावांगे जी, ये करांगे, उन्हां कोले मौका नहीं, उन्हां कोले मौका आने वाले टाइम च लोगों ने देना है। अच्छा तां चन्नी साहब नूं बेनती करदे आं वी तुहाडे कोले 10 दिन ने, असीं इस टाइम 20 लाख वोट ट्रांसपोर्ट धंधे नाल जुड़े हुए लोग ने, जिहदे विच ड्राइवर कनैक्टर मालक साढ़े रिश्तेदार हो गए, टायर वाले हो गए, इलैक्ट्रीशियन हो गए, जो इस धंधे नाल जुड़े हुए ने, साढ़ी 20 लाख वोट के मालक हैं जी असीं पंजाब दे विच, अज वह 20 लाख वोट सरकार बनाउण दे विच और सरकार गणाउण दे विच अहम भूमिका निभाऊ जी। जेकर चन्नी साहब हुण असीं मगर घूम रहे हां, रात भी असीं चन्नी साहब दे सीएम हाउस 1:30 बजे तक उत्थे वेट कीती सीएम नूं मिलण वास्ते, ते उत्थे जिहड़े आई जी साहब सीगे पांडे जी, उन्हां नूं वो अंदर मैसेज भी लैके गए पर सानूं वो मिले नहीं। असीं हर रोज़ सीएम साहब नूं मिलण वास्ते कोशिशां कर रहे हां पर वो नहीं मिल रहे, पर जिद्दण चोण जाब्ता लग गया उदू बाद असीं ये कम बंद करके असीं पंजाब सरकार जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस उहदा प्रोपर बाईकाट करांगे जी, ते अपने पिंडां दे विच किते भी पोलिंग नहीं लगन देवांगे। पूरी ट्रांसपोर्ट धंधे नाल जिन्नी जुड़ी हुई वोट है वह इन्हां दे विरुद्ध जाऊगी, असीं सरकार बनन नहीं दिंदे कुछ भी हो जाए कांग्रेस। मैं एक गल कहना चाहना, जिवें मेरे वीर अमन मौड़ ने कहा कि असीं मिलण की कोशिश कर रहे हैं, वैसे सरकार नूं असीं दस देना चाहुंदे कि असीं तुहानूं मिलण दे कोई इच्छुक नहीं, ना तुहाडे नाल साडी कोई रिश्तेदारी है, असीं अपने हक लैण आए हां, सानूं मिलना तुहाडे नाल कोई खुशी नहीं है, सानूं कोई लोड़ नहीं हैगी, बेशक तुसीं मिलो ना मिलो सानू साढ़े हक चाहिए ने, तुहाडे तों कोई भीख नहीं मंग रहे, असी अपने हक मंग रहे, डेमोक्रेसी है, तुसी डेमोक्रेसी दे विच एक आम पब्लिक का शोषण कर रहे हो जिन्हां दी बदौलत तुसी एडे एडे महल खड़े करते हो, एडे एडे वड्डे हैलीकॉप्टरां च घूमते हो, तुसी भी बंदे हो साढ़े वर्गे, रब ने उतारे हो, जे पब्लिक ने तुहानू वोट दित्ती है या पब्लिक तुहानू सपोर्ट करती है, तुहानू इज्जत माण दिंदी है, तां ही तुसी रुतबा लैंदे हो, तो रुतबा लैण तो बाद तुसीं इह ना भुल जाया करो कि उतरना जमी बंदे ने नीचे जमीन ते ही चलना, सदा आसमान च नहीं रहना, सो ये चीज़ कभी भुलनी चाहिए। रात असीं धरना दे रहे सी सीएम साहब की कोठी के मूहरे, असीं उत्थे मुर्दाबाद के नारे लाए हैं, बिल्कुल खरड मोहाल मरिंडा मोहाली चंडी अपना चंडीगढ़ सीएम हाउस, सो असीं बाहर धरने लाए ने, तो उस तो बाद सानू बस के रेस्ट करके लैके भी गए ने चंडीगढ़ पुलिस की 12:30 बजे, तो सानू 2:30-3 बजे दोबारा वार्निंग देकर छड़ दिता गया कि जे दोबारा काम करोगे तो सख्त कार्रवाई की गई। असी सरकार नू क्लीयर दस देना चाहते हैं कि सानू ना परचियां का डर है ना थोड़ी गोलियां का डर है, परचे भी बंदे दी पैंदे, गोलियां भी बंदे दी हिक च वजदियां ने, सो जे अपने महकमे लई आवाज़ बुलंद की है तो बिल्कुल करांगे, सानू किसी पार्टी का किसी चीज़ का कोई चेप नहीं है, असी अपनी आवाज़ उठाई है तो बिल्कुल उवें ही बुलंद रहेगी, क्योंकि असी चिपते नहीं, अपने हक मंगण आए, तुहाडे तों भीख नहीं मंगदे। होर सर, अज तो 3 दिन पहले इतों की कैप्टन साहब लंघे सी, असी उन्हां नू रोकिया 1.5 घंटा उन्होंने रोक के रखिया है, उन्होंने कोले साडी गल का कोई जवाब नहीं सी, उन्होंने मन्निया भी हाँ मेरे तो गलती हुई है, पर अज मैं पावर दे विच नहीं हैगा, मैं थोड़ियां यूनियनां बहाल नहीं कर सकता, दोबारा पावर दे विच मैं आउणा तां मैं यूनियनां जरूर बहाल करूँगा, पर मैं सीएम साहब जो चन्नी साहब ने उन्होंने कह रहे हैं अज तुसी पावर चो, कल नूं 10 दिन बाद थोड़े कोले पावर नहीं रहनी जी, तद ये ना हो जो चन्नी साहब 10 दिन बाद असीं तुहानूं घेरीए तो तुम फिर ये कहो भी यार मेरे को पावर नहीं, अच्छे थोड़े को पावर है, तुम साढ़िया यूनियन बहाल कर समर्थ हो, कि कैप्टन साहब मंगू बाद चे ना कहें रहे जो भी मेरे को पावर सी पर हूँ है नहीं यार, मैं फिर देखूँगा, क्योंकि थोड़ा दोबारे असी मौका नहीं देना जी, ना कैप्टन साहब न देना दोबारे मौका ना थोनू देना। कैप्टन के चंबे चन्नी पर अटके, तो भाजी थोड़ा की विचार है जी, यूनियन का थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा, अपना की कहना है बारे, अपना शुभ नाम दसो। मेरा नाम कमल बुलाडा जी,
सर इन्नी करप्शन हो चुकी है, इन्नी करप्शन हो चुकी है कि मंत्री भी करप्ट हो चुके हैं। जिहड़े साढ़े टेंडर ढोआ ढोआई दे 31 मार्च के नेड़े तेड़े ले जाते अप्रैल दे विच झोने दा कणक दा सीजन आउंदा सी, वो इन्होंने ऐसे टाइम ही कॉल कर दिते ने, जो कि ऐसे टाइम कोई कॉल करन दा हक नहीं सी बनदा। इन्होंने अपने चहेतियां नूं टेंडर देने आ, उन्हां तों बोरियां भर भर नोटां दीआं लैणियां ने, ते साडा गला घोट के साडे पैसे ही देने ने उन्हां नूं वंडने। सानूं भुखे मरन लई मजबूर करता, सानूं कोई शौक नहीं इत्थे धरन लाउण दा, असीं सारे भुखे मरदे आ फिर आए हां जी इत्थे। साडियां चार चार किस्तां टुट चुकियां ने, कागज़ साडियां गड्डियां दे खत्म हो चुके ने, टायरां दे साडे तों पैसे नहीं मुड़दे, डीजल दे साडे तों पैसे नहीं मुड़दे। दसो असीं किधर जाइए जी। असीं चन्नी सरकार नूं यही बेनती करदे सी, पर लगदा वी हुण इहनां दा ख्याल इहनां दे पिछे वी जल्दी असीं साबका मंत्री मुख मंत्री चन्नी ला देंगे। आने वाली चोणों के असी दिखा देंगे भी ट्रकों वाले का एकता की होंगे, साढ़ी 15 लाख वोट है, हर एक हल्के असं का घराओ भी करा। सो दोस्तों असी जो ट्रक यूनियन के धरने के खड़े हैं, इतने तुम दस रहे कि जिस तरह दिल्ली के सिंघू टिकरी बार्डर के उपर किसानों ने धरना दिता सी, लगातार एक साल तो ज़्यादा धरना दे के अपन मंगा जोड़े मनाने लिए मोदी सरकार को मजबूर किया। असी इधर थोड़ा दिखा रहे कि उस तर्ज पर किसानों के संघर्ष के तर्ज पर इत्थे ट्रक ड्राइवर के ट्रक ऑपरेटर के ट्रक यूनियन के वलों भी लंगर लगातार लंगर चलाए जा रहे हैं। बड़ी गिणती में तादाद में इत्थे ट्रक ऑपरेटर ड्राइवर ते कंडक्टर या होर जिहड़े भी इस धंधे नाल जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट के धंधे नाल इत्थे बड़ी खुल दिली नाल सेवा कर रहे हैं। ट्रक लंगर के ट्रक भरे पए आ, राशन के ट्रक भरे हुए आ, पूरी लगातार एक उहदे नाल संजीदगी नाल लगे हुए। और ये भी दस रहे हैं कि इन्हां दी जिहड़ी 32 किसान जथेबंदियां दिल्ली वालियां उन्हां दे नाल भी एक मीटिंग होण जा रही है, और 27 दिसंबर तो बाद मुख्यमंत्री चन्नी दे भी घराओ करन दा प्लान इन्हां दा हैगा, जिवें उह लीडर इत्थे जिहड़े अनाउंस कर रहे हैं। कुछ दिन पहला एक इत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी इन्हां नाल रस्ते विच घराओ कीता। सो ये जिहड़ा ट्रक यूनियन दा संघर्ष है, बड़ा किसान संघर्ष दे तर्ज पर बड़ा लंबा चलण की संभावना। चन्नी सरकार के खिलाफ जिहड़ा इत्थे हजूम ट्रक ड्राइवर का ट्रक ऑपरेटर का पहुँचा होया, इन्हों का जिहड़ा ये भी कहना कि राजा भावें ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग होवे, भावें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होवे या होर कोई भी, तो यह अपने उन्होंने जिहड़े घराओ लगातार करते रहेंगे। तो अपने जी गुरनाम सिंह जौहल सूबा प्रधान पंजाब ट्रक एकता, अपने डिमांड्स की ने सर, धरना जिहड़ा चल रहा किन्ने दिनों तो चल रहा? साडा जी इत्थे धरना दे 6 तरीक तो चल रहा, उस तरह गौरमेंट के खिलाफ तो अं 6 महीने 7 तो चले आ, रोजाना मेमोरेंडम दे रहे हैं, पहला डीसीआं नूं एसपीआं नूं जो MLA उन्होंने दिते ही, मुख्यमंत्री कैप्टन भी दिता ही, पर फिर अं 3 तरीक नूं पूरा पंजाब 3 घंटे वास्ते बंद किया, पर कोई भी सानूं इहदे विच उन्होंने आश्वासन नहीं दिता। उस तो बाद 6 तरीक का साडा इत्थे धरना चल रहा वा, उस तो बाद राजे वड़िंग नूं भी मिले हाँ, राजे वड़िंग ने भी सानूं कहा भी 9 तरीक नूं तुहाडियां यूनियन हवाल कर दांगे, पर कुछ नहीं होया। उस तो बाद अं खरड़ भी गए, उत्थे कोठी चन्नी दी घेरी इधर भी गए, पर 2 घर साडा मिलाप होया चन्नी नाल भी, पर उन्हें कोई पक्का नहीं तुहाडियां जी यूनियन भा लिया, बंदा बिठा देंगे नाल आ कर दें जे कर दें, पर कोई अजे मसला हल नहीं होया। बाद जिन्हें साडियां यूनियन भंग कीतियां सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सानूं इत्थे मिलिया, उन्होंने भी घेर के पुछया भी तू क्यों कीतियां, पर वो आपकी गलती मन गया भी मेरे तो गलती हुई आ, मैं गलती नाल भंग कर बैठा। पर तुहानूं लगता भी ये गलती हुण गलती मन के कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले चों जिहड़ा तुहानूं भावनावां कैश करन च कामयाब हो जाणगे? पता की गल आ, हुण उहदे पल्ले कख नहीं रहा जी, उहने यूनियन भंग करतियां तो उहदे कोई कख नहीं रहा, उहनूं इहदे विश्वास होया ना भी किहड़े बंदिआं दा मैं गलत कम कीता, ते आह गल ते इक पब्लिक नूं पता लगू भी इहनां लोकां नाल वाकई धक्का होया। जिहड़ा बंदा गलत कम करदा मुड़ के उह मंनदा, ते पब्लिक विच वी इह नज़र हो जांदा भी वाकई मैं गलत कम कीता, ते पब्लिक वी इस कम ते साडे साथ दिंदी आ। पर जदों सत्ता च नहीं सीगे उदों धक्का कर गए, तो हुण सत्ता तो बाहर हो के इस धक्के नूं मन रहे, हरेक पार्टी इदां ही करदी है, हरेक लीडर इसे तरह ही करता, फिर उहदे नाल किवें तुसीं चलोगे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे? या कि इस तरह वा भी जे मोदी सरकार ने काले कानून लियांदे ही तो उन्होंने वापस ले ले, तो उहदा स्वागत कोई चंगा तो नहीं हो रहा। कल तुसीं वेख्या होणा वा उत्तर प्रदेश गया ही, तो जिहड़ा गलत काम करदा जे उह मुड़ के मन भी जावे तो उहदा हाल उहो ही हुंदा वा। जो पब्लिक का नुमाइंदा एक घर का एक मुखी जिहड़ा वा वो घर के गलत काम करते तो घर बर्बाद हो जाता, जिहड़ा देश का राजा जे देश नूं कर दे तो उहनूं फिटकां ही पैणगियां। हाँ जी, सो असी देखिया कि ट्रक यूनियन का जिहड़ा धरना उत्थे सारे लीडरां नाल असी गल करी धरने के बारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रक यूनियन जिहड़ियां भंग करतियां
ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।